प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने श्रीनगर के लाल चौक पर राहुल गांधी के तिरंगा फहराने पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज वे लाल चौक पर झंडा फहरा सके हैं। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा, यात्रा को खत्म करने पर राहुल गांधी ने जो लाल चौक पर झंडा फहराया है, उसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि 370 हटने के बाद ही यह संभव हो पाया है। जब उनकी सरकार थी और हमारे नेता जोशी जी गए थे तो रॉकेट लॉन्चर से हमला हो रहा था और झंडा फहराने नहीं दिया जा रहा था, और आज कितनी शांति है। मिश्रा ने राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि जिस यात्रा पर राहुल गांधी निकले थे, अब बताएं उन्हें भारत कहां से टूटा हुआ दिखाई दिया। थोड़ा बहुत तो मार्गदर्शन करें, और अगर टूटा हुआ दिखाई नहीं दिया तो यह यात्रा निकाली क्यों और भारत जोड़ो नाम क्यों दिया? उनको माननीय प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। 370 हटाने के बाद जिस शांति के साथ में वो झंडा फहरा रहे हैं, जब दिल्ली में उनकी सरकार थी तो हमारे नेता जोशी जी गए थे तो रॉकेट लॉन्चरों से हमला हो रहा था और झंडा फहराने नहीं दे रहे थे, और आज कितनी शांति है। और ये जिस यात्रा पे निकले थे भारत जोड़ो पे, कहां टूटा दिखा, थोड़ा बहुत तो मार्गदर्शन कर दें देश का, कौन सी जगह पर भारत टूटा दिखा, और नहीं दिखा तो निकाली क्यों थी, ये नाम क्यों दिया था। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मुगल गार्डन का नाम अमृत गार्डन करने पर कहा कि यह एक प्रशंसनीय कार्य है। वहीं उन्होंने इंदौर के आग लगाने वाले मामले में कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार है और कानून का राज है, आग लगाने वाली मानसिकता को ही तहस नहस कर दिया जाएगा। इंदौर में जिन्होंने इस प्रकार की बात कही है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मिश्रा ने PFI और पीस पार्टी को अपडेट देने वाली अन्नू अंसारी के मामले की जानकारी देते हुए कहा कि केस रजिस्टर कर सभी मामलों को जांच में लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। अन्नू अंसारी जो थी, और उन्होंने स्वयं भी बयान में कहा है कि PFI और पीस पार्टी को वो सहयोग करती थी और उपलब्ध कराती थी इस तरह के अपडेट। उनके पास में जो राशि मिली है नगद, उसकी भी जानकारी है, किन सूत्रों और सूत्रों से मिली है, 1.5 लाख रुपया जो नगद पाया गया है, पर्चे क्यों छुपाया, पर्चे गलत क्यों बताया, ये सारे विषय जांच में लिए गए। सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।